मैं अहले बैत का जिक्र कर रहा हूं, मैं मोहताज हूं अहले बैत का जिक्र करने के लिए, लेकिन अहले बैत मोहताज नहीं है। यानी खुदा बंद आलम ने इंसान को खल्क करने के बाद इंसान के ऊपर हक हासिल किया, इत्तेखार हासिल किया। कुछ इंसान रहे जो जमाने से पहले थे, कुछ इंसान रहे जो जमाने के बाद, कुछ इंसान रहे जो आदम के वक्त, ठीक है, तीन तरह के इंसान होते हैं, जो जमाने से पहले थे, जमाने के बाद है, और आदम के वक्त है। तो देखिए खुदा वंद आलम ने इंसान को खल्क किया, जमीन को खल्क किया और आसमान को खल्क किया। किस चीज से खल्क किया? सबको जमीन से खल्क किया है। जमीन के अंदर अच्छा है, अब देख लीजिएगा जमीन के अंदर क्या है, डीजल जमीन के अंदर है, गोल्ड जमीन के अंदर, पेट्रोल जमीन के अंदर, पेट्रोल जमीन के अंदर, डीजल जमीन के अंदर। तो जमीन जो है हमारे लिए आगोश माता का दर्जा रखती है। फिर जो खुदा बन जाने में सुना है राम ने खल्क किया, जो है जमीन आसमान को खल्क किया। कितने दिन में खल्क किया? छह दिन में। सब आसमान हमने इंसान को जमीन आसमान को छह दिन में खल्क किया। आगे जो है खुदा बन जाने ने कहा कि हमने इंसान को और जो है जमीन और आसमान की खिलकर खल्क की, लेकिन अभी ये नहीं बताया किस चीज से खल्क की है, जरिया क्या था, सोर्स क्या था, मार्कर क्या था, मैटर क्या था। लेकिन अजीजों आप ही देखिएगा खुदा बन जाने ने जो है धूल बनाए है, जिलमान बनाए, पहाड़ बनाए, दरिया बनाए, जन्नत बनाए, कौशल बनाए, फिजाए बनाई, हलावे है, सब बनाए, फटाए, जितने भी है, जहन्नम बनाए। लेकिन बनाने के बाद खुदा बन जाने ने यह नहीं कहा था मैंने किस चीज से बनाया। आप अपनी खिलकत का सबब समझ लीजिए और आप समझिएगा कि हमारी अजमत क्या है। अभी खुदा मंदिर ने क्या क्या बना दिया, जमीन बनाई, आसमान बनाया है, लेकिन यह नहीं बताया किस चीज से बनाया। लेकिन जब खुदा मंदिर ने आदम को बनाया, तो जब खुदा मंदिर आलम ने आदम को बनाया, तो आदम को बनाने के बाद खुदा मंदिर ने कहा पाला मैं मना का अंत जुदा दिया नहीं आदम, तुझे किस चीज ने रोका, जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया।